हे गाइस अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू शाइनिंग स्टार। तो गाइस आज जो है मैंने ये वाला लुक किस तरह अचीव किया है, तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो मेरी वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। सो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस ये मेकअप जो है वो बहुत ही सिंपल है, मतलब कुछ इसमें हैवी नहीं है, बिल्कुल लाइट सा मैंने मेकअप किया है, बहुत ही मिनिमल मेकअप है। मतलब आप बहुत ही जल्दी जल्दी अगर आप हैं कहीं जा रही हैं तो आप ये वाला मेकअप कर सकती हैं। अगर आप यूनिवर्सिटी गोइंग हैं, अगर आप ऑफिस गोइंग हैं और अगर आप लोग शॉपिंग पर भी जाती हैं और मेकअप लगाती हैं मेरी तरह, तो ये वाला मेकअप जो है आप लोग बहुत ही अच्छे से और जल्दी से और इजीली जो है ये बिल्कुल सिंपल एंड सॉफ्ट है। और स्पेशली बात तो ये है कि ये समर के लिए द बेस्ट मेकअप है, मतलब नो मेकअप जो है। मैं यहाँ पर रिवाज यूके का प्राइमर यूज़ कर रही हूँ। गर्ल्स ये प्राइमर बहुत ही अच्छा है और अफोर्डेबल प्राइस में है। ये मैंने ऑनलाइन मंगवाया था और इसकी प्राइस जो है वो नॉर्मल है, मतलब इतनी ज़्यादा नहीं है, इजीली हम अफोर्ड कर सकते हैं। और इसका जो टेक्सचर है ना वो ट्रांसपेरेंट है, मतलब और हमारे पोर्स को जो है वो अच्छे से ब्लर भी करता है, मतलब प्राइस के अकॉर्डिंग बहुत ही ज़बरदस्त है। तो ये जहाँ जहाँ मेरे ओपन पोर्स हैं वहाँ वहाँ मैं इसको अप्लाई करूँगी बहुत ही अच्छे से, ताकि जो है हमारा फाउंडेशन जो है वो लॉन्ग लास्टिंग रहे, क्योंकि गर्मियाँ बहुत हैं और इसकी वजह से जो है वो फाउंडेशन जो है वो बहुत ही जल्दी ख़राब हो जाती है। तो हम जो है वो बिल्कुल लाइट सी कवरेज करेंगे और बिल्कुल लाइट सा मेकअप करेंगे, तो इसलिए प्राइमर जो है वो बहुत ही ज़रूरी है। तो अच्छे से मैंने जो इसको अप्लाई कर लिया है, देन इसके बाद मैं यूज़ करूँगी APK का ये एलोवेरा BB क्रीम है। गर्ल्स ये फाउंडेशन है, मतलब बहुत ही अच्छी है, BB क्रीम टाइप ये वर्क करती है और बहुत ही बेस्ट है विद अफोर्डेबल प्राइस। और ये थोड़ा सा ड्यूई, कुछ ज़्यादा ही ड्यूई हो जाता है क्योंकि यहाँ ड्यूई हो जाता है, मगर अगर आपकी जो स्किन है ड्राई है तो ये आपके लिए बहुत ही बेस्ट है। तो ये मैं यूज़ करूँगी थोड़ी सी क्वांटिटी में, क्योंकि हमें जो है वो बिल्कुल लाइट सा मेकअप रखना है और इसकी कवरेज भी नॉर्मल है, तो अगर आपके एक्ने स्कार्स हैं तो वो अच्छे से छुप जाएंगे। पर जो है मैं ब्यूटी फाइबर आमला का ये कबूकी ब्रश यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि इससे जो अच्छी कवरेज चाहिए, तो इसलिए मैं ये यूज़ कर रही हूँ। यही यूज़ करूँगी। इतना डूई सा ये फिनिश दे रहा है, मतलब बहुत ही ज़बरदस्त है ये और है भी बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में, ड्राई स्किन के लिए बहुत ही बेस्ट है। देन इसके बाद मेरे पास ये ब्राउ पेंसिल है, तो यहाँ पर इस साइड पर जो इसका स्पैचुला है अपने ब्राउ को सेट करने के लिए, और यहाँ पर जो है ये ब्राउ का पोमेड है, तो मैं इससे जो है बिल्कुल लाइट सा नेचुरल सा ब्राउ को जो है वो फिल करूँगी आफ्टर ऑफ कैमरा। सो गर्ल्स यहाँ पर मैंने ब्राउ जो है वो फिल कर ली है। देन इसके बाद मैं यूज़ करूँगी ये डेजमेट का डार्क चॉकलेटी कलर है, ये अपने मैं आइज़ पर अप्लाई करूँगी, बिल्कुल लाइट सा अप्लाई करूँगी, इतना ज़्यादा मैं अप्लाई नहीं करूँगी। तो ये मैं किस तरह अप्लाई कर रही हूँ आप देख सकती हैं, यहाँ पर मैं एक लाइन सी ड्रॉ करूँगी, इसी तरह से अप्लाई करूंगी। लोअर लैश के थोड़ा सा नीचे भी अप्लाई करूंगी और लोअर लैश के अंदर भी थोड़ा सा आउटर कॉर्नर पर जैसे इसको मैं अप्लाई करूंगी इस तरह से। देन इसके बाद अब जो है मैं इस फ्लैट ब्रश की हेल्प से इसको जो है वो ब्लेंड करूंगी। अच्छा लगता है, मतलब इसको इस तरह से ब्लेंड करने से आप जो है आपकी आईज जो है वो शार्प नहीं लगती, बहुत सॉफ्ट सा लुक लगता है। ब्लेंड कर लिया है, देन इसके बाद मैं अपनी फिंगर की हेल्प से थोड़ा सा डैप डैप करूँगी तो ये थोड़ा सा और लाइट हो जाएगा, तो इससे आपका इसका लुक जो है ना वो बहुत ही अच्छा लगेगा।
कितना प्यारा लुक लग रहा है इसका। तो बस यहाँ पर है मेरी आईज जो है वो कंप्लीट हो चुकी हैं। अगर इसके बाद मैं मैबलिन फिटमी का ये कॉम्पैक्ट यूज़ कर रही हूँ अपने फेस को सेट करने के लिए। ये बहुत ही बेस्ट है। आईज़ के अराउंड जो है डार्क सर्कल बहुत ज़्यादा है, तो आप लोग कंसीलर भी लाइट सा यूज़ कर सकती हैं, देन इसके बाद कॉम्पैक्ट से सेट कीजिए। तो मैंने जो है बिल्कुल लाइट सा मेकअप रखा है, इसलिए मैंने जो है वो कंसीलर यूज़ नहीं किया, मैंने फाउंडेशन से ही आईज़ को जो है वो कवर कर लिया है। तो मेरा पूरा फेस जो है वो सेट हो चुका है। तो अगर यहाँ पर जो है मैं कराजा का ये आई शेडो पैलेट यूज़ कर रही हूँ, मतलब ये एक छोटा सा पैलेट है, इसमें 3 शेड्स होते हैं। तो यहाँ पर आपको मैं दिखा दूँ, आप देख सकती हैं ये सिल्वर शेड जो है मेरा ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है। तो इससे जो है मैं अपने ब्राउ को जो है हाईलाइट करूँगी, क्योंकि मुझे तो कर सकती हैं, इट्स डिपेंड ऑन यू, मतलब ये ऑप्शनल है। तो ब्राउ को जो है मैं इससे हाईलाइट करूँगी, और इससे लुक जो है वो बहुत ही प्यारा लगता है, मुझे बहुत ही पसंद है हाइलाइटर। और इनर कॉर्नर पर भी मैं थोड़ा सा इसको अप्लाई करूँगी। तो ब्लशन के लिए यहाँ मैं यूज़ कर रही हूँ माना का रोज़ मैजिक, तो बहुत ही बेस्ट है, मतलब बहुत ही नेचुरल है। तो बिफोर यूज़ यू विल शेक इट देन यू अप्लाई, तो उसको मैंने शेक कर लिया है, देन उसको मैं अप्लाई करूँगी बहुत ही कम क्वांटिटी, मतलब ये इतना सा ड्रॉप ही काफ़ी है इसको अप्लाई के लिए। यहाँ पर आ जाएगा, तो इसको जो है मैं ब्यूटी ब्लेंडर से टैप टैप करके ब्लेंड करूंगी। बहुत ही अच्छे से ब्लेंड हो जाता है, लेकिन थोड़ा सा जल्दी करना पड़ता है, क्योंकि इससे जो है ये ब्लेंड हो चुका है। आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत सा एक पिंकिश सा टोन आ रहा है, और बिल्कुल लाइट वेट है, मतलब आपको बिल्कुल भी फील नहीं लगेगा कि आपने कुछ हेवी सा ब्लश ऑन लाइट यूज़ किया है। देन इसके बाद मैं ये वॉश का काजल यूज़ कर रही हूँ अपने आउटर कॉर्नर पर, आईज़ के आउटर कॉर्नर पर, जस्ट वाटर लाइन पर इसको मैं अप्लाई करूँगी हाफ, क्योंकि इससे जो आईज़ है ना बहुत प्यारी लगती है, और मैं जो है मोस्टली हाफ काजल ही लगाती हूँ, पूरी आईज़ लगाती। मैं इसके बाद मैं मस्कारा यूज़ करूँगी। तो मस्कारा के लिए मैं जो है वॉल्यूम हीरो मस्कारा यूज़ कर रही हूँ, ये एसेंस के हैं, वाटरप्रूफ हैं, बहुत ही बेस्ट हैं, पर्सनली मुझे ये बहुत ही अच्छे लगते हैं। और बिल्कुल सिंपल सा मेकअप अगर आप कर रही हैं तो मस्कारा मत भूलिएगा, मस्कारा इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो यहाँ पर जो है वो मैं मस्कारा यूज़ कर रही हूँ। तो मस्कारा मेरे अप्लाई हो चुके हैं, और आप देख सकती हैं इसका लुक। देन लिपस्टिक के लिए मैं डेजमेट का ये शेड है प्लम क्रेज 21 नंबर, ये मैं यूज़ कर रही हूँ, बहुत ही ज़बरदस्त है ये और अफोर्डेबल भी है। गाइज़ ये मेरा फाइनल लुक, और लिपस्टिक आप देख सकती हैं मैं बिल्कुल लाइट सी लगाई, क्योंकि मेकअप जो है हमें इतना हेवी नहीं करना। तो ये है मेरा फाइनल लुक, आई होप मेरी वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो, अगर हेल्पफुल हो तो मेक श्योर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं मेरा नेक्स्ट वीडियो में।